चले हम लोग स्टार्ट करते। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हम लोग एमसीक्यूज करने लगे हैं और ये लिंक है letsfindcourse.com। ठीक है, letsfindcourse.com की वेबसाइट से हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्विंग डिस्क्रीट एलिमेंट्स दैट यूजेस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, अलजेब्रा टाइप होंगे, अरिथमेटिक होंगे, बोथ एंड भी। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा भी आता है और अरिथमेटिक भी आता है, तो बोथ एंड भी ऑप्शन सही है। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉन कनेक्टेड टू डिस्टिंक्ट फॉर्म फ्रॉम ईच अदर, ये ट्रू फॉल्स मे बी नॉट। आंसर इज ट्रू, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट होते ही वही हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, किस किस को हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, इंटीजर्स को, रैशनल नंबर्स को, पीपल्स को, ऑल ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं डी, सबको हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर भी सेपरेट होते हैं, रैशनल नंबर भी सेपरेट होते हैं और पीपल भी सेपरेट होते हैं। रियल नंबर विच इंक्लूड इरेशनल एज वेल एज रैशनल नंबर आर नॉट डिस्क्रीट, रियल नंबर विच इंक्लूड रैशनल इरेशनल आर डिस्क्रीट, रैशनल नंबर्स आर डिस्क्रीट, ट्रू फॉल्स। अब इसका आंसर है रियल नंबर विच इंक्लूड इरेशनल एज वेल एज रैशनल नंबर्स आर नॉट डिस्क्रीट, ऐसे इरेशनल नंबर, ऐसे रियल नंबर्स जिसके अंदर इंक्लूड होंगे रैशनल और इरेशनल दोनों, उनको डिस्क्रीट नहीं कहा जाता। तो ये सी आंसर ट्रू है क्योंकि रियल नंबर जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं इरेशनल एज वेल एज रैशनल नंबर वो डिस्क्रीट नहीं होते। In how many categories mathematics can be broadly classified into? कितनी categories में mathematics को हम broadly classify करते हैं? तो इसका answer है two, एक discrete और एक continuous mathematics. Which of the following involves distinct values between any two points? किसके अंदर दो involve होते हैं distinct values, यानी clear values किस चीज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं टू पॉइंट्स के दरमियान, तो वो होगी कौन सी मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर जो दो पॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं क्लियर वैल्यू के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ प्रपोजिशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रपोजिशन होगी, प्रपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट कंप्लीट मीनिंग दे रही हो और वो डिस्क्रीट हो। ठीक है, जैसे कि द गेट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क शेक, इसमें कोई क्लियर कट वैल्यू एक्सप्लेन नहीं की जा रही, गॉड ब्लेस यू इसमें भी कोई क्लियर मैसेज नहीं दिया जा रहा, कहाँ पे कहाँ पे नहीं, व्हाट इज द टाइम नाउ, अगर यहाँ पे टाइम मेंशन होता तो फिर हम उसको कहते कि ये प्रपोजिशन है। तो ये जो ऑनली द ओनली ऑड प्राइम नंबर इज टू, तो यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट मेंशन है, इसको हम प्रपोजिशन बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सी ऑप्शन ट्रू है इनमें से, इफ द सन इज अ प्लेनेट एलिफेंट विल फ्लाई, 3 + 2 = 8, इफ 5 - 2 = 7, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, 1 < 3 एंड 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सी, 3, 4, 5, 8 होगा, इफ 5 - 2 = 7, तो इनमें से इफ द एलिफेंट, इफ द सन इज अ प्लेनेट एलिफेंट विल फ्लाई, तो ए मेरे ख्याल से जो है हाइपोथेसिस फॉल्स, जस्ट द होल स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। Which of the following bits is the negation of the bit? कौन सी bits is the negation of the bits? In ये जो statement हमें दी गई है, इनकी negation कौन से bits हैं?
0 1 1 0 1 0, तो इसको हम देखेंगे, रिवर्स करेंगे इसको, तो नेगेशन बन जाएगी 1 0 0 1 1 0 0 1 और 0 और 1, सी स्टेटमेंट जो बन रही है वो इसका नेगेशन है. हाउ मेनी बिट्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 आर पॉसिबल सच दैट दे कंटेन 2 1s एंड 2 0s. हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 आर पॉसिबल सच दैट दे कंटेन 2 1s एंड 2 0s. 2 1s हों और 2 0s हों, तो यानी पॉसिबल जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए उसमें, यहाँ पे आप खुद बनाए ना। वही मैं कह रही हूँ ना, देखें 2 1s हैं एंड 2 0s हैं, तो 2 1s अगर हम करें और 2 0s उसके पीछे लगाएं, तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, 4 और 5 6 6 बनेगा ये. तो एक्सप्लेनेशन ये इन्होंने दी है, वन टू सिक्स इसके टोटल कॉम्बिनेशन हमने बताने के कितने बन सकते हैं. तो अगर 1 2 1 है 2 0 है, तो 1 0 1 0 0 1 0 1 बनता है, 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0, तो ये 6 स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन हमारे पास इसके बनते हैं. चलें, ये तो हो गए बेसिक्स, अब सेट्स के ऊपर आते हैं हम. हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था सेट्स का कॉन्सेप्ट, तो आप ये देखना पड़ेगा. बी जी कैंटोर ने. सेट थ्योरी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सेवरल अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी लाइक सेट्स थ्योरी, फाइनाइट स्टेट मशीन्स, कंटिन्यूइंग थ्योरी, रिलेशंस, ऑल ऑफ डी, ऑल ऑफ अबव होगा. यानी सेट थ्योरी ने बेसिस बनाई थी तमाम अदर फील्ड्स जो भी हैं इनकी. अ सेट इज एन डैश कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑर्डर एंड अनऑर्डर, मेरे ख्याल से सारों का होता है. अच्छा, अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ होता है. अ सेट कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स यूजिंग, सेट को हम लिख सकते हैं एक्सप्लिसिटली बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स यूजिंग, कौन सी ब्रेसेस हम यूज करते हैं, तो सी आंसर है, ये सेट के लिए हमेशा ये वाली ब्रैकेट्स यूज कर दी की जाती हैं. इन हाउ मेनी वेज सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, सेट्स को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते, थ्री ठीक है जी, 3 ना, ए 2, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेट बिल्डर, एंड सेट 3 होना चाहिए. अच्छा, रोस्टर एंड टेबुलर एक नहीं थ्री थ्री होता है, हमने कल भी पढ़ा था ना सेट्स, जब हम पढ़ रहे थे तब थ्री में थी ना, एक टेबुलर फॉर्म थी, एक सेट बिल्डर नोटेशन थी, और एक जो थी वो वाली, नहीं नहीं एक में तो नहीं हम नहीं इसमें लिखते थे ना फातिमा, अभी 2 ही बनेंगी, पता है एक क्यों, एक सेट बिल्डर नोटेशन एक होता एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू है, ए या बिलोंग टू एन, एक ये ये वाली सेट फॉर्म है, बिल्डर नोटेशन एक हुई सिंपल ना. टेबुलर नोटेशन है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, वो जो टेबुलर नोटेशन है ना, टेबुलर फॉर्म जो है, उसी में एक्सप्लेनेशन फॉर्म भी होती है, ठीक है. ये अच्छा देखें, या तो सेट होगा ना कि डिफाइन होगा, किसी को स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, लाइक सेट ऑफ रियल नंबर्स. चले, मैं इसको चेक भी कर लूंगी, ठीक है आगे चलें। अच्छा, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर नोटेशन, तो ए रोस्टर फॉर्म की है. व्हाट जेड प्लस रिप्रेजेंट, डी प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड इंटीजर्स को बोलते हैं, तो रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर
बी सेट सेट ऑफ ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑल इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा वो मैं इंटीजर्स ढूंढ रही थी, इंटीजर वर्ड नहीं नजर आ रहा था मुझे। अच्छा ये लिखा था, हाँ मतलब नंबर्स हो गए हैं तो। हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स। अ सेट व्हिच कंटेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, जिसके अंदर डेफिनेट एलिमेंट्स होते हैं उसको हम प्रॉपर फाइनाइट 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 सेट बोलेंगे। फाइनाइट अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन अ सेट। गिव द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ वेज, क्या चीज हमें बताती है नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन अ सेट, सेट को पार्टीशन करने का। कॉम्प्लीमेंट नंबर्स, क्रॉस नंबर्स, पावर नंबर्स, बेल नंबर्स। ये तो मुझे नहीं पता। डी डी बेल नंबर्स गिव द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन अ सेट, दे आर डिनोटेड बाय बी एन, वेयर एन इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। बी एन बेल नंबर्स बोलते हैं। द पावर सेट ऑफ एन ठीक एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट। पावर पावर सेट डी एम्प्टी सेट ही होता है पावर सेट का। अच्छा जी नेक्स्ट पे जाते हैं, रिलेशंस पे। चले रिलेशन में एग्जिस्ट बिटवीन, रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन, किस किस के बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं। बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू और मोर सेट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम सेट्स एंड बी। तो रिलेशन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, सी में बोथ एंड बी में, ऑब्जेक्ट्स के भी और टू और मोर सेट्स के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान भी। अ बाइनरी रिलेशन आर ऑन अ सिंगल सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन को हम कैसे शो करते हैं, ए ए क्रॉस ए। और अच्छा ठीक है, ठीक उन्होंने कहा बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन हमेशा दो चीजों के दरमियान होता है और वो रिलेशन आर ऑन अ सिंगल सेट। अब सिंगल सेट है हमारे पास ए, तो उसी का सबसेट होगा दूसरा, तो ए क्रॉस ए बन जाएगा वो। फॉर टू डिस्टिंक्ट सेट्स ए एंड बी हैविंग कार्डिनलिटीज एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज, मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या होगी। एम पावर एन, नहीं एम क्रॉस एन, ठीक है बी। फॉर टू डिस्टिंक्ट सेट्स ए एंड बी हैविंग कार्डिनलिटीज एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन आर ए टू बी इज एम एन। इनको मल्टीप्लाई करने से होती है। अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए यूजिंग अ सी डायरेक्टेड ग्राफ। रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंट, अच्छा रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू। पांचवा, छठा, सातवा, आठवा। अच्छा आगे देखते हैं, द डैश रिलेशन बिटवीन सेट एक्स एंड वाई इज द सेट एक्स क्रॉस वाई इज, क्या होगा कौन सा रिलेशन होगा। एम्प्टी, फुल, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो बी फुल, द फुल रिलेशन बिटवीन सेट्स एक्स एंड वाई इज एक्स क्रॉस वाई। अच्छा जी, आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड डैश इफ एक्स आर वाई इम्प्लाइज वाई आर एक्स। तो ये कौन सा रिलेशन होगा, ये तो मुझे नाम इनके जो है ना ये मुझे नहीं आता, ये कुछ डी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशनशिप होगा। सातवां, द रिलेशन आर इक्वल टू ए बी बी ए ऑन सेट एक्स ए बी इज ए बी बी ए, ए बी और बी ए ऑन सेट ए बी इज कौन सा है, ए इररिफ्लेक्सिव।
binary relation 1 2 2 1 2 2 on the sets 1 2 3 is reflexive, symmetric, transitive. मेरे ख्याल से ये सारे ही होंगे irreflexive, symmetric, transitive. B option. Neither reflexive nor irreflexive but transitive. ओहो अब ये explanation है simple में अभी इसको explain नहीं कर सकती. फातिमा आपको इसकी explanation आती है क्योंकि मुझे ये relationship नहीं आते mathematics की. वही ना ये पढ़ना पड़ेंगे यार ये मेरे खुद skip हुए मेरे mind से. अच्छा इनको एक बार देखना पड़ेगा. नेक्स्ट जो पेज है ना उससे लेके आप करवाना मैं बहुत थक गई हूँ. कंसीडर द बाइनरी रिलेशन ए इक्वल टू ए बी स्लैश बी इक्वल टू ए माइनस वन एंड ए बी बिलोंग टू 1 2 3. ये भी मुझे नहीं पता इसमें हम क्या करेंगे. ऑप्शन ए अब ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है. By definition of transitive closure, we have that A is related to all smaller b as every A is related to b minus 1 and from the reflexive property A is related to A. ये कुछ तो थोड़ा ही मारना पड़ेगा मुझे आप भी क्या पेपर में तो हाँ क्योंकि इसका अभी कॉन्सेप्ट नहीं है ना अभी याद नहीं है चीजें ये चीजें. The time complexity of computing the transitive closure of binary relation on a set of n elements should be क्या होना चाहिए O n नहीं O n की पावर 3. चलें इसको भी छोड़ें ये कुछ चीजें मुश्किल है इनको पढ़े बगैर नहीं आती ये. फातिमा अगर आप इसको कंटिन्यू कर लें आगे यहाँ से मैं ऊपर कर लूंगी. ठीक है फंक्शंस को मैं फंक्शन और मैपिंग डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस वाई इज अ रिलेशनशिप फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट एक्स टू एलिमेंट ऑफ अनदर सेट वाई देन एक्स इज कॉल्ड कोडोमेन प्री इमेज डोमेन इमेज ऑफ फंक्शन. एक्स क्या है आपके पास सी डोमेन है डोमेन ऑफ फंक्शन और मैपिंग is a relation for element of one set x to element of another set y. x and y are non-empty set, so x is called domain. इसमें जो x होगी ना उसको domain कहा जाएगा. ये जो function है x वाला. A function cannot be one to one, many to many, one to many, all of the above. One to one भी functions होते हैं, many to one, one to many. A function can one be to one, one or to many, one, or many to one, one but not one, one to many. ठीक है. Many to one हो सकते हैं, one to one हो सकते हैं, but one to many नहीं हो सकते. सीधी बात नहीं हो सकती, उल्टी सारी बातें हो सकते हैं. हाँ, if f of n and f of x is equal to 5x is injective, non-injective, surjective, inverse. ये फिर इसको देखना पड़ेगा इनकी डेफिनेशंस को फिर समझ आएगी. इज इंजेक्टिव वैसे है तो ये इंजेक्टिव लेकिन ये 10th के मैथ्स में है ये 10th या 9th के मैथ्स में से कहीं किसी एक चैप्टर में है. 9th 10th के मैथ्स में भी है और फर्स्ट ईयर के मैथ्स में भी ये डिटेल हाँ ये चीज है उसमें डिटेल में है ये देखनी पड़ेगी. इफ FB is onto if the image of F equals its range, injective, surjective, inverse, and not surjective. Surjective onto the image of F equals to its range. अगर image का F का जो image होगा वो इसके range के equal होगा, तो वो surjective होगा. If function is both surjective and injective, then it's known as. अगर एक function surjective भी है, injective भी है. वो क्या होगा आपके पास बाइजेक्टिव होगा बाइजेक्टिव नहीं यहाँ पे सर्जेक्टिव हाँ बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव होगा अगर एफ बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव है तो हाँ वो बाइजेक्टिव होगा. ठीक है. इफ एफ एंड जी आर ऑन टू देन द फंक्शन जी ओ एफ इज वन टू वन ऑन टू वन टू मेनी इन टू ऑन टू है ना इसका आंसर देखिए
बी वन ऑन टू ऑन टू होगा. कंपोजिशन डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वन टू वन फंक्शन बोथ ए एंड बी. इसका देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंपोजिशन ऑलवेज होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कंपोजिशन होल्ड नहीं करती. लेट एफ एंड जी बी द फंक्शंस फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स टू इटसेल्फ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज. इनके जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? 6x plus 9. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ए 6x plus 9. एक मिनट. कंपोजिशन इज इक्वल टू 2 इनटू 3x plus 4 प्लस 3x plus 4 6 और 4 2 are 8 और प्लस 1 9. ये जो आपके पास इक्वेशन है ना 2x plus 1 इसके अंदर आपने x की जगह x की वैल्यू डाली हुई है 3x plus 4. तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 2 are 6x plus 4 plus 1 और ये आ जाएगा 6x plus 9. 4 2 are 8 हो जाएगा ना तो 8 और 1 9. 4 2 are 8 समझ आई इसकी? ये देखें ना ये हमारे पास आप पहले f of x की इक्वेशन देखें 2x plus 1 ये आपके पास इक्वेशन है. इसके अंदर आप x की वैल्यू इनपुट करेंगे जो x की वैल्यू आगे गिवन है 3x plus 4. जब 2 into 3x plus 4 हो जाएगा तो 2 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. 4 के साथ 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा तो 4 2 are 8 हो जाएगा और 8 plus 1 9. अच्छा यूं किया हुआ उन्होंने. अच्छा 2 को बाहर कर दिया और x की वैल्यू. ओ हो ठीक है ठीक है ठीक है. हां ये जस्ट इक्वेशन 2x plus 1 के अंदर ये इन वैल्यू डालेंगे. हां हां डैश बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू इनपुट 2000 बिट्स ऑफ डेटा. कितने बाइट्स की आपको जरूरत है कि आप इतने डेटा को इनकोड कर सके? 4812. चेक करें इसका क्या है. 2 बाइट्स की जरूरत होगी. नहीं हाँ 2 बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड 2000. 2 बाइट्स के ना हाँ. क्योंकि देखिए ना हमारे पास 1 बाइट 1024 बाइट्स होते हैं ना. वो 65535 तक आता है ना तो ये अभी 2000 इसी के अंदर आ रहा है तो इट्स मीन ये 2 बाइट्स पे ही होगा. Which of the following is true? The function f of x, x power 3 is bijection from R to R. The function f of x, x plus 1 from the set of integer to itself is onto both A and B, none of the above. Both A and B. C, both A and B. True hai. Theek hai. Chale. बोलियन अलजेब्रा. बोलियन अलजेब्रा डील्स विद अ वेरिएबल दैट कैन हैव टू डिस्क्रीट वैल्यू टू थ्री डिस्क्रीट वैल्यू. बोलियन है तो टू डिस्क्रीट वैल्यूज होना चाहिए. हाँ तो बोलियन में टू ही होती है. एक जीरो है और एक वन है. एक ट्रू है और एक फॉल्स है. द अर्लीस्ट मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग सिंबॉलिक लॉजिक वॉज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बूल. जॉर्ज बूल या बेबीलोनियंस. वैसे चेक कर लें. सी ये जॉर्ज बूल. ठीक है. विच बोलियन आइडेंटिटीज लॉ ए प्लस ए इज इक्वल टू ए. आइडम्पोटेंट कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी आइडम्पोटेंट या आइडेंटिटी में से कोई एक है. चेक करें. A idempotent. A plus A is equal to A or form A dot A is equal to A and form. ठीक है. अगर और form में A plus A is equal to A होगा तो भी idempotent होगा और A dot A यानी कि and form में भी ये idempotent होगा. Which boolean identity law proof A plus 1 is equal to 1? तो ये है जी commutative dominance law है ये. Dominance law. ठीक है. A dash is a product of all variable taken either in their direct or complement form. Min term, max term, variables, none of the.
डेयर ही सपोर्टर फॉर विल बी टेकन आइदर इन द डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. ये चेक करें जी, मिन टर्म में तो होगा ठीक है. मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स टेकन आइदर इन देयर डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म. ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं. क्योंकि जो सम ऑफ मिन टर्म्स होता है, तो मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स टेकन आइदर इन देयर डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म. एनी बुलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ इट्स वन मिन टर्म्स इन द इनवर्स ऑफ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ इट्स जीरो मिन टर्म्स. ये ऊपर प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, इसलिए ये मिन टर्म जो होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल होता है, और मैक्स टर्म सम ऑफ होता है. हाँ सही है. ठीक है, के मैप इंट्रोड्यूस बाय मॉरिस कार्नोजिन इन, ये देख लें इसका ईयर कौन सा है. काइंड ऑफ मैप इंट्रोड्यूस The logic gate which gives high output from the same inputs, otherwise low output is known as X naught. Check it. X naught. X naught में जब आपके high जो कि high output देगा, जब आपके input same होंगे, या both zero होंगे या both ones होंगे, तो वो आपका X naught gate होगा. How many types of canonical forms of Boolean expression? Two. There are two kinds of canonical forms of Boolean expressions. देख लें, ये sum of min terms or product of max terms. दो ही होती हैं. F x y z m x bar y bar z bar m bar. The degree of the function is 4. 4 ही होने चाहिए. Check करें. Four है. Boolean algebra can be used for designing of the digital computers in building logic samples, circuit theory, building circuit algebraic theory. Functions. Designing the digital computers के लिए Boolean algebra यूज़ करते हैं. चलिए आगे चलते हैं. Graph. Time थोड़ा ही रहता होगा तो बस quickly कर लेते हैं सारे go through एक दफा. 10, 20, 30. Next graph है आपके पास. Topic. Graph is a set of points called nodes, edges, fields, line. Set of points को हम graph में nodes कहते हैं. Nodes भी कहते हैं, vertices भी कहते हैं. ठीक है. और graph consists of a non-empty set of vertices, empty set of vertices, both can be none of the above. A non-empty set of vertices. Yani graph consists with us mein non-empty sets of vertices. V and the set of edges. Okay. Number of edges incident with the vertex V is called degree of graph. Degree of vertex. Handshaking degree of vertex. None of the above. C A G degree of vertex. Vertex की बात है ना, vertex की बात है तो vertex में degree of vertex होता है. Vertex is the number of edges. ठीक है, हाँ vertex. ठीक है. अच्छा हमारे. Which of the following is about handshaking? हाँ. 10 minutes. कुछ कह रही थी. 10 minutes रहते हैं. Okay. सही हो गया. Which of the following is true about handshaking lemma? तो इसमें आंसर देख लें आप जल्दी से कि handshaking lemma में क्या होता है. ये तो हमने कोई टर्मिनोलॉजी पढ़ी नहीं. The sum of degrees of all vertices is equal to the twice of the number of edges. यानी degree of vertices होंगी जो number of edges. The sum of तमाम degrees. हाँ हाँ. यानी vertices की जो sum of all degrees का जब हम vertices को वो equal होगा उनके edges के twice, तो वो आपके पास जो होगी वो handshaking lemma होगा. What is null graph? A null graph has no nodes. Null graph has no edges. Null graph has no odd vertex. Null graph has no even vertex. So, null graph में क्या होना चाहिए? No edges. No nodes, no edges. नहीं, ठीक है जी. Null graph में कोई edges नहीं होते. Okay. If in a graph multiple edges between the same set of vertices are allowed, it is called Hamiltonian graph, simple graph, multigraph, Euler graph. देखें जरा answer. Multigraph. ठीक है.
बस मल्टी एजेस होंगे तो मल्टी सेट ऑफ वर्टिसेस जब आपको अलाउ होंगे तो वो आपका मल्टी ग्राफ होगा. ठीक है, द ग्राफ इन इंटीजर इज अ हाँ मल्टीपल है ना, तो फिर वो जरा मल्टीपल एजेस होंगे तो बस मल्टी ग्राफ होगा. ठीक हो गया. The graph in which there is a closed trial which includes every edge of the graph is known as. यानी कि ऐसा ग्राफ जिसके अंदर closed trial which जिसके अंदर हर एज जो होगा ना ग्राफ का तो क्लोजली होगा तो उसको हम कहेंगे यूलर ग्राफ. कनेक्टेड ग्राफ बेसिकली इसको आप यूलर ग्राफ कहते हैं. ठीक है, जो ग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड होगा. इफ देर इज अ क्लोज ट्रायल विद विच इंक्लूड्स एवरी एज ऑफ द ग्राफ, यानी कि ऐसा ग्राफ जो कि हर एज के साथ जो बन रहा हो ना वो आपके पास यूलर एज होगा, यूलर ग्राफ होगा. इन अ सेवन नोड डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ द नंबर ऑफ हैमिल्टनियन साइकिल इज टू बी. सेवन नोड है तो कितना होगा, ये तो कोई नहीं पता, चेक करें कितना करना पड़ेगा. अ हैमिल्टनियन साइकिल इन अ कनेक्टेड ग्राफ जी इज डिफाइंड एज क्लोज पार्ट दैट ट्रेवर्सेस एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट द जी स्टार्टिंग. इन एन एन कंप्लीट ग्राफ देयर आर एन माइनस वन. इसका हम लेंगे, ये क्या होता है इसका नाम भूल गई हूँ, फैक्टोरियल. हाँ, फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू तो हैमिल्टनियन साइकिल, सो द आंसर इज 360. ये अब कैलकुलेट करना पड़ेगा इस रूल के तहत. ठीक है, टू माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू. ठीक हो गया. इफ जी इज द फॉरेस्ट विद 54 वर्टिसेस इन 17 कनेक्टेड कंपोनेंट्स, जी हैज डैश टोटल नंबर ऑफ एजेस. इसका आंसर चेक करें, इसको कैसे हमने फाइंड किया. 37. Here are given a forest with 54 vertices, 7 components. A component itself a tree, and since there are 17 components, mean that there every component has a root. Therefore, we have 17 roots. Each new vertex of the forest contribute to the single edge of a forest. So far, remaining 54 minus 17 equal to 37. अब 54 में से 17 minus करेंगे तो 37 vertices बनेंगी. ठीक हो गया. विच कैन ट्राइंगल फ्री ग्राफ्स हैव द ट्राइंगल फ्री ग्राफ हैव द प्रॉपर्टी ऑफ क्लिक नंबर इज मोर देन टेन लेस देन फाइव. मोर देन टेन ट्राइंगल फ्री ग्राफ हैव द प्रॉपर्टी ऑफ क्लिक नंबर इज मोर देन टेन. क्योंकि ट्राइंगल ग्राफ में क्या होता है, ट्राइंगल फ्री ग्राफ की बात हो रही है ना. ट्राइंगल ग्राफ में ट्राइंगल फ्री ग्राफ, नो थ्री वर्टिसेस कैन बी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल ऑफ एजेस. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्राफ विद क्लिक नंबर लेस देन टू एंड द ग्राफ विद गिर्थ ग्रेटर देन फोर. ये कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है ये वाला ग्राफ. वही ना पढ़ा, बस एक दफा देख लेते हैं बस, चीजें तो जरा माइंड में रह जाती है. साइकिल तो कोई नहीं बनता तो ए साइक्लिक होगा. ए साइक्लिक डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड में नहीं बताया क्योंकि डायरेक्टेड तो उसमें अनडायरेक्टेड होता है सारा कुछ ट्री में. हाँ. A tree with n number of vertices contained, tree में n number of vertices contained होंगे तो इसमें हम edges कैसे find करेंगे? N की power 2 minus 1 शायद ये वाला formula लगे वैसे exactly नहीं confirm, देख लेते हैं. N minus 1 edges, ठीक है? N minus 1 edges के form से. अच्छा, the vertex which is of 0 degree is called, जिसकी 0 degree होगी वो leaf ही होएगा फिर. नहीं, root होएगा. The vertex which is a zero हाँ, root होगा ना क्योंकि root की zero degree होगी. हाँ हाँ ठीक है root से निकल जाएंगे. बिल्कुल सही है, जहाँ से निकलेगा मतलब मैं ऊपर से start कर रही थी leaf से ना, तो वो नहीं, root चूंकि zero है तो zero वहां से start होगा. A dash tree is a tree the vertex of which are assigned unique numbers from 1 to 10.
तो ट्री इज अ ट्री द वर्टाइसेस ऑफ विच आर असाइंड यूनिक नंबर्स. ऐसा ट्री जिसको जिसके वर्टाइस लेबल अ लेबल ट्री इज अ ट्री ठीक है जिसको हम नंबर देंगे. नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद अ वर्टेक्स वी इज कॉल्ड जिसके एजेस मतलब अलाइन कर रहे होंगे वर्टेक्स के साथ उसको ओ ऑफ एन कहेंगे. अच्छा इसका इंसर्शन कम्प्लेक्सिटी एवरेज कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग ऑफ एन एंड वर्स्ट केस जो होता है इसका ओ ऑफ एन होता है. ओ ऑफ एन व्हाट इज द स्पेस कम्प्लेक्सिटी फॉर बाइनरी सर्च ट्री. स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी बाइनरी सर्च ट्री की. मेरे ओ लॉग ऑफ एन नहीं होता पता नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं याद. ओ ऑफ एन ही होती है स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी. मुझे भी कोई कंफर्म नहीं है. बाइनरी सर्च ट्री की ओ ऑफ एन नहीं है ठीक है. द नंबर ऑफ लेबल ट्रीज ऑफ के नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज के की पावर एन माइनस टू. लेबल ट्री जो होगा उसके के नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल होंगे एन माइनस टू के. एन माइनस टू सही होगा. द लीनियर ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टाइसेस अरेंज इन अ लाइन. A linear graph. Linear graph तो straight होगा ना. Arranged in a line तो yes true. नहीं false. Arranged in a line false. A linear graph also known as path graph is a graph which consists of k vertices arranged in a line so that vertices from i to i plus 1 are connected by an edge. ठीक है straight line में नहीं होंगे edge के through connect होंगे. What is true about star tree? Star tree के मतलब क्या true है? See, a tree having a single internal vertex and n minus one leaves. अच्छा, if a tree has only one eccentricity, अच्छा, eccentricity, a tree has only one eccentricity, it is called क्या कहेंगे? Rooted tree? D. Rooted tree. Central tree. सेंट्रल टी सेंट्रल सेंटर से है ना सेंटर तो ये सेंट्रल ट्री ठीक है बस अब किसी भी टाइम मीटिंग एंड हो जाएगी लेकिन हम लोग बस जल्दी से इसको कर लेते हैं लास्ट वाले पेज को भी. प्रोबेबिलिटी भी चेक कर प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाज इन्वेंटेड इन कब हुई 1954 में हुई होगी या 74 में. हाँ 1954 में 53 में चूंक के लिए 1954 में. When we perform an experiment, the set of S of all possible outcome is called क्या कहते हैं set of all possible outcome को sample space. और ठीक है if a coin is tossed, how many possible outcomes तो कितने outcomes आएंगे अगर coin toss हो तो दो ही हैं उसके possible outcome भी. दो हेड और टेल. व्हेन अ डाइस इज थ्रोन जब डाइस को थ्रो करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ द नंबर किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो D. वो